सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पोको के M6 5G फ़ोन के बारे में एंड इसके अपने टॉपिक होने लगे इसके अपने फ़ोन के कैमरे की गाइस हैंगिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर गाइस आप अपने फ़ोन में जब भी कैमरा यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड बैक कैमरा, तो गाइस आप अपने फ़ोन में जो है अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे ओनली 2 मिनट में जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले गाइज आपको अपने फ़ोन के कैमरे पे गाइज क्लिक करके रखना है, देन गाइज आप चले जाएंगे ऐप इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे गाइज देखिए आपका ऑप्शन मिलेगा नीचे में क्लियर डाटा का, आप इस पे गाइज क्लिक करेंगे, देन आप इसका गाइज जो डाटा रहता है एक्स्ट्रा डाटा आप उसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद गाइज आपके फ़ोन का जो कैमरा था अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा। अब गाइज मैं आपको सेकंड ट्रिक बताऊंगा, आपको पूरा बैक चले जाना है, देन गाइज आपको अपने फ़ोन के कैमरे को ऑन करना है। यहाँ पे गाइज आपको चले जाना है अपने फ़ोन के कैमरे सेटिंग में, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, देन गाइज आप चले जाएंगे अपने फ़ोन के कैमरे सेटिंग में। अब गाइज देखिए आपको यहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग का, आप इस पे गाइज क्लिक करेंगे, देन आप इसकी गाइज सेटिंग को यहाँ से रिसेट कर लेंगे। तो गाइज आप अपने फ़ोन की अगर कैमरे की अगर सेटिंग से अगर परेशान है एंड आप अपने फ़ोन के गाइज कैमरा फ्रंट एंड बैक कैमरा से गाइज परेशान है, तो आप इन दोनों ही प्रॉब्लम को गाइज ठीक कर सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया है। कोई दिक्कत जा रही है तो कमेंट कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक लव बाय।